दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं KTM की ऑल न्यू RC 200 आपके सामने खड़ी हुई है। यहाँ पे आपको क्या कुछ चेंज है इसके बारे में तो बताएंगे। यहाँ पे आप दोनों मॉडल को देख सकते हैं, दोनों कलर में ये बाइक अवेलेबल है। शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप KTM RC 125 के नए मॉडल को देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने KTM की RC 125 के दोनों मॉडल का दोनों कलर का आपको वर्कआउट वीडियो दिखाया है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको KTM RC के 200 जो है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्या कुछ चेंज है ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो में एक कलर को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में है इस कलर के बारे में हम कवर करेंगे, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या कुछ चेंज है, प्राइस क्या है और साउंड वगैरह क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बट इससे पहले आपको अगर KTM RC 125 के नए मॉडल को देखना है तो उसका भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पे यहाँ पे आप सबसे बड़ा चेंज देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये बड़ा सा आपको हेडलाइट वगैरह में चेंज देखने को मिलेगा, जो कि पहले डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलाइट के साथ आता था। एक बड़ा सा आपको खूबसूरत सा विंडशील्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे KTM नया डिज़ाइन देने की कोशिश की है। यहाँ पे ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको ये चेंज देखने को मिलेगा, जो कि पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया। इंडिकेटर जो है यहाँ पे इस पर दिया गया LED इंडिकेटर है। पहले इंडिकेटर यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर के पास में नीचे में देखने को मिलता था, तो यहाँ पे ये बड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक को पहले से थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी अच्छा इसका लुक देता है। और दोनों साइड में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको DRL भी देखने को मिल जाते हैं। अभी हम इसको ऑन करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे आपको LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है, ये आपको नंबर प्लेट के लिए हो जाता है। और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं। और साथ ही अगर चलें इस साइड, सबसे बड़ा चेंज आपको कलर और ग्राफिक्स में देखने को मिलेगा। कलर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन शेड में कलर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको KTM का ग्राफिक्स देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको RC 200 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और इसका डिज़ाइन भी पहले से अलग थोड़ा सा दिया गया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा निकला हुआ उठा हुआ टाइप का, जो कि थोड़ा सा इसमें और इसके लुक को चार चांद लगा देता है। और यहाँ पर अगर आप चले तो पेट्रोल टैंक देख सकते हैं, यहाँ पर डुअल टोन में एक ग्लोसी ब्लैक और ऑरेंज में दिया गया। KTM का स्टिकर आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप KTM का स्टिकर देख सकते हैं। और इस साइड चले तो इस साइड से भी आपको KTM का स्टिकर देखने को मिल जाता है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो पहले 9.5 लीटर का आता था, अब आपको 13.5 लीटर का देखने को मिलता है, जो पहले से थोड़ा सा इसमें इंक्रीज किया गया है। और ये पहले अब आपको 13.5 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। और इधर चले तो यहाँ सबसे बड़ा आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग जो है इसको भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जो राइडिंग में थोड़ा सा और आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे की से इसको आप रिमूव करेंगे तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि हाफ इंच तक ये ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे आप हैंडल को देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में आपको पास स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, और यहाँ पर इंडिकेटर का और यहाँ पर हॉर्न का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको इंजन किल स्विच और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और रियर व्यू देखें तो काफ़ी अच्छा लुक इस बार बनाया गया है पहले की तुलना में, देखने में जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और इस साइड चले तो यहाँ पे भी आपको KTM RC 200 का ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑरेंज और ब्लैक में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। पहले से इसका सीट जो है काफ़ी कुशनिंग वाला बनाया गया है, जो पहले से काफ़ी कम्फर्टेबल है। यहाँ पर RC लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। रियर में भी सीट जो है पहले से अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। और यहाँ पे ग्रेव रेल भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको अच्छी खासी पकड़ दे देती है। और इसमें जो है आप अच्छे से इसमें बैठ के इसको पकड़ के आप सेफ्टी आपको मिल जाता है। रियर साइड से चले तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट ले जगह मिल जाता है, यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है, जो नंबर प्लेट पर यहाँ से लाइट आता है। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको दोनों साइड में आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और रियर साइड से कुछ इस तरीके से इसका व्यू यहाँ पर निकल के सामने आता है। यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, मडगार्ड रियर का है। और आपको सबसे पहले बता दूँ यहाँ पर डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप ABS का ये साइन देख सकते हैं। और बैक साइड में अगर टायर साइज की बात अगर मैं बात करें तो 150/60/17 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। व्हील यहाँ पर चेंज किया गया, पहले का व्हील आपको मैं थोड़ी देर बाद लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद व्हील में दिखाएंगे कि ओल्ड वाले में आपको किस तरह का व्हील देखने को मिलता था और न्यू वाले में किस तरह का है। और यहाँ पे येलो कलर का आपको रिम पे कलर देखने को मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर है। और ये आपका रियर का फुट पैक्स हो जाते हैं, दोनों साइड का काफ़ी स्मूथ बनाया गया है।
ये आपको पैरों को सेफ्टी के लिए कि अंदर ना जाए इसलिए यहाँ पर दिया गया है। और ये हो जाता है राइडर का फुटपैक्स और ये हो जाता है ब्रेक। और यहाँ पे इंजन वगैरह बिल्कुल आपको पहले की तरह सेम है। और यहाँ पे रेसिंग केटीएम लिखा हुआ देखने को मिल जाता है ऑरेंज कलर में। और एक बड़ा चेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एयर फिल्टर है ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा कर्व टाइप में आपको देखने को मिलेगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि पहले स्ट्रेट आता था ये कर्व है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको यूनिक जो एयर फिल्टर है वो भी देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको USD फोर्क सस्पेंशन देखने मिलने को मिल जाते हैं जो WPX के हैं। यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, पहले यहाँ पे होल नहीं हुआ करता था, यहाँ पे होल है। और ये भी आपको थोड़ा सा ओल्ड वाले मॉडल से चेंज देखने को मिलेगा रिफ्लेक्टर का। और अगर यहाँ पे चले तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजन को सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे इंजन काउल देखने को मिल जाता है। और ये फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, साथ ही ABS भी देखने को मिल जाता है जो इस बाइक को डुअल चैनल ABS बनाता है, जिससे आपको सेफ्टी अच्छा ब्रेकिंग में प्रदान हो जाता है। फ्रंट में भी जो रिम है इसको भी अलॉय व्हील मिलता है, बट यहाँ पे पहले वाले मॉडल से यहाँ भी आपको चेंज देखने को मिलता है। लास्ट में आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। MRF के टायर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं और जो कि ट्यूबलेस टायर हैं। और टायर साइजेस के बारे में बात करें तो 110/70 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा मडगार्ड जो है फ्रंट फेंडर। तो यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ये ग्लोसी ब्लैक में और ये मैट ब्लैक में आपको फिनिशिंग देखने को मिलता है और काफ़ी खूबसूरत इसको लुक इस तरह से देखने को मिलता है। और यहाँ पे पहले जो आता था, यहाँ पे आप साउंड एक बार सुनिए आपको खुद पता चल जाएगा। पहले आपको मेटल देखने को मिलता है, जो पहले का पेट्रोल टैंक आता था वो अंदर में मेटल होता था और ऊपर में जो है फाइबर हुआ करता था, बट यहाँ पर आपको मेटल में ये पूरा देखने को मिल जाता है। साउंड आप सुन सकते हैं ये फाइबर में, बट ये जो आप पेट्रोल टैंक देख रहे हैं ये आपको मेटल में देखने को मिलता है। और यहाँ से आप की लगा के इसको सीट को खोल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। और इस साइड में अगर आप देखें तो मोनोकोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है रियर साइड में और बाकी पहले की तरह बिल्कुल सेम है बाकी सारी चीज़ें। और हाँ, अब चलते हैं हम कंसोल मीटर की तरफ, तो आप कंसोल को एक बार चेकआउट कर लीजिए। इससे पहले आप देख लीजिए इसका की कैसा है। तो ये KTM का की आपको देखने को मिलता है, दो की मिलते हैं। और अब हम लगाते हैं इसको और करते हैं इसको ऑन। ऑन करने से पहले यहाँ और भी और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको KTM लिखा हुआ देखने को मिलता है, यहाँ पे सेट लिखा हुआ देखने को मिलता है और ये कुछ मोड वाला बटन है। और यहाँ पे आपको एक लाइट देखने को मिलता है जो गियर का आपको कुछ पोजीशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ABS और न्यूट्रल देखने को मिलता है, यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे RPM देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑडोमीटर है, साइड स्टैंड लगा हुआ है क्योंकि इसमें बिना साइड स्टैंड जब तक आप नहीं रिमूव करेंगे तब तक ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये कुछ फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से इंडिकेटर को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ इंडिकेटर दिख जाता है, ये इंजन का हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिया गया है। और कुछ सेट को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे फ्यूल रेंज किलोमीटर ये सब दिखाएगा, ट्रिप किलोमीटर दिखा रहा है, ट्रिप टू दिखाया जा रहा है, रोड वगैरह दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ है, तो यहाँ पे कुछ फ्रंट से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि LED में है। और अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से देखने में लगता है वो भी आप चेकअप कीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपने इसका लाइट भी देख लिया होगा और ये LED लाइट आपको देखने को मिलता है और यही कुछ है। और इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये गुड़गांव हरियाणा में जो कि है 2,41,000 के पास आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है। और अगर आप इस शोरूम में आते हैं तो यहाँ पे आपको कम डॉक्यूमेंट्स में जल्दी फाइनेंस कर दिया जाता है, जिसमें आपको जो लो इंटरेस्ट है वो प्रदान किया जाता है, मतलब लो इंटरेस्ट लगेगा और कम से कम डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है। शोरूम का एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप एक बार शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ है, अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। अभी तो याद नहीं आ रहा है कि और क्या कुछ कवर करना चाहिए,
तो कवर हो गया। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए राइड विद बाइक। और हाँ, अगर आपको ये बाइक का वर्क अराउंड वीडियो देखना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।